दोस्तों एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ बेटा जरूर पूछो, अगर मुझे पता होगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊंटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होती है पिताजी? ऊंट बोला, बेटा हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें, इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं, यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें चलने में सहूलियत होती है। मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है, ये इतनी घनी क्यों है? बेटे ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच है, ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया, हमारी ऊंट में कुबड़, पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी, फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।